आना पड़ेगा जो उन्होंने अभी नया स्टार्ट किया है। देखिए बटर की क्वांटिटी देखो यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये हमारा चूर चूर चिली गार्लिक चूर चूर नान रेडी है। और के दिखाओ ज़रा, देखो यार कलर देखो सब्जी का, और जो थिकनेस है ना वो देखो, मतलब ऊपर निकल के दिखाओ जो थिकनेस। कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रेवी होती है बहुत पतली कर देते हैं, छोले की क्वालिटी देखो यार क्या बात है। ये दिखाओ भाई साहब, ये दाल मखनी, और दाल मखनी मेरी फेवरेट भी है। ये दाल मखनी ऐसी है कि इसको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल खवातीन हज़रात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। यार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबसे पहले आप हमारे इतने बेहतरीन वीडियो देख सकें, बिकॉज आप मुझे बहुत मोहब्बत से नवाजते हैं। आज हम लोग जाएंगे आपको, हमने मैंने कहा बहुत टाइम हो गया मैंने चूर चूर नान नहीं ट्राई किया। आज हम लोग शास्त्री नगर में रोलिंग स्टोर, आपने देखा होगा उसके पास में इन्होंने एक और काउंटर लगाया है चूर चूर नान का, जहाँ पे वो दो टाइप की सब्जी देते हैं उसके साथ में चूर चूर नान सर्व कर रहे हैं। चूर चूर नान की याद आती, मेरे को पंजाब की याद आ जाती यार, कैसे वो बनाते हैं। पंजाबी मिलते हैं चूर चूर नान पंजाब में, ज़बरदस्त नान मिलते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जोधपुर में हैं, तो हम लोग जोधपुर का वीडियो बनाएंगे। चलिए सीधा वहाँ चलते हैं रोलिंग स्टोर्स के पास में, और उनका हम लोग वहाँ पे चल के चूर चूर नान ट्राई करते हैं, आ जाए। और यहाँ पे हम रोलिंग स्टोर के यहाँ पे जाएंगे, और वहाँ पे उन्होंने एक नया काउंटर लगाया है चूर चूर नान का, जिसके अंदर वो चूर चूर नान के साथ साथ में दो टाइप की सब्ज़ी भी सर्व करते हैं। तो हम लोग वहाँ जाके देखेंगे आज सब्ज़ी में क्या क्या है उनके पास में, और चूर चूर नान की प्लेट है वो कितने की है। तो जैसे आपको पता है ये फेमस हमारा शास्त्री नगर का सर्कल आ गया है, और बस यहाँ पर हम लोग अब लास्ट में जाएंगे और वहाँ जाके शूट करेंगे। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया यार, मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया क्योंकि अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा बहुत वो गुलाबी सर्दी वाला एहसास होने लग गया। सुबह अपन जल्दी उठते हैं और रात को, तो सर्दी मेरे फेवरेट है, सर्दी मुझे बहुत पसंद भी है माशाल्लाह। तो ये देखिए हम लोग यहाँ गए हैं, अब यहाँ हम लोग इनका चूर चूर नान ट्राई करेंगे। बहुत से काउंटर्स हो गए यार यहाँ पे, पहले तो इतने काउंटर्स नहीं थे, अब हम लोग यहाँ गाड़ी लगाते हैं। और देखिए सामने चूर चूर नान वाला है, देखिए ये देखिए ये देखिए चूर चूर नान, और ये तो बस जैसे 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 आपको बताया कि आज मैंने आपको बोला था कि मैंने कहा आज हम लोग इनका चूर चूर नान ट्राई करेंगे। हम लोग रोलिंग स्टोर पे हैं, जो कि आपको ने देखा होगा मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छे पिज़्ज़ा सर्व करते हैं। और इन एकदम शास्त्री नगर का जो सर्कल है, यहाँ से जब अपन वो ITI चौराहे की तरफ जाते हैं तो यहाँ भी कोने में ये खड़े होते हैं। इन्होंने एक बार अपना सेक्शन लगाया, देखिए यहाँ पे चूर चूर नान का है। तो ये भी रोलिंग स्टोर का ही है, अगर आप यहाँ पे आएँ तो वैसे भी आप वीडियो देख के हमारा ज़रूर आप आएंगे, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि रोलिंग स्टोर की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं टेस्ट करने से पहले बोल सकता हूँ कि इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। यहाँ के जो ओनर है वो हमारे साथ है, सोहेल भाई आओ ना। अस्सलाम वालेकुम, सब कह रहे थे बढ़िया, कैसे चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। उसका तो हमने बनाया था यार पिज़्ज़ा विज़ा का, तो पूरा हमने बनाया था स्टार्टिंग में जी। कौन कौन सी पिज़्ज़ा लेके आए, नए बस नया लेके आए, मतलब एक और फ्लेवर में लेके आए। तो जैसे यहाँ के जो ओनर उन्होंने बताया कि एक और नया फ्लेवर, एक और नया पिज़्ज़ा स्टार्ट किया चीज़ बस का, तो वो भी उसकी भी टॉपिंग देखेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग यहाँ इनका नया कॉन्सेप्ट देखना है। ये कब स्टार्ट किया सोल भाई आपने? एक महीने से मतलब इस पूरी ये स्टॉल को अपने को एक महीना हुआ है, क्या बात है। एकदम चेंज कैसे हो गया यार पिज़्ज़ा से सीधा यहाँ पे एड ऑन करने का सोचा था। हाँ देखा नहीं था, सोचा कि करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी जो जैसे नाम है आपका, वैसे क्वालिटी भी आप सर्व करते हैं, तो मुझे ये पूरा यकीन है कि यहाँ पे चूर चूर नान भी आप बहुत ज़बरदस्त सर्व कर रहे होंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम है, आपके मेन्यू के बारे में बताएं मुझे थोड़ा बहुत। ये देखिए ये इनका मेन्यू है, ये दो सेक्शन इनके ये हैं स्टफिंग के। ये जो सेक्शन है इसमें आपको पनीर, दाल मखनी और रायता मिलेगा, और ये जो सेक्शन है इसमें आप छोले दाल मखनी, और ये मतलब ये सेक्शन है ना, ये पूरा ये हाफ में आपको एक चूर चूर नान मिलेगा और फुल में दो आपको चूर चूर नान मिलेंगे। तो ये पूरा सेक्शन आप देख सकते हैं। अगर आप हाफ की बात करेंगे तो मतलब मात्र आपको 150 रुपये में आपको यहाँ पे एक प्लेट मिल जाएगी, और पनीर की आपको चाहिए तो 170 रुपये मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आप फुल में जाएंगे तो फुल में आपको 260 तक मिल जाएगा, और एक इनका जो है स्टफ चीज़ चिली गार्लिक चूर चूर नान वो 280 रुपये का है। तो अगर अपन जैसे सोहेल भाई की बात करेंगे तो इसमें सबसे जैसे हम लोग पनीर का सेक्शन हम लोगों ने सोचा है, इसमें तीन आप मुझे ऐसा बता दें जो अपने सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम है कुलचों में। चीज़ चिली गार्लिक जी, पनीर प्याज
आलू प्याज, ये तीनों काफ़ी ज़बरदस्त होंगे। और अब मुझे ये थोड़ा ये बताएं आपने, ये जो सब्जी का थोड़ा इसको ऐसा हिला के दिखाओ भाई साहब, ये देखो ये रायता, क्या बात है, कितना गाढ़ा है यार, ज़बरदस्त। ये बूंदी रायता है, बूंदी रायता, हाँ। ये खोल के दिखाओ भाई साहब, ये दिखाओ ज़रा, देखो यार कलर देखो सब्जी का, और जो थिकनेस है ना वो देखो, मतलब ऊपर निकल के दिखाओ जो थिकनेस। कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रेवी होती है बहुत पतली कर देते हैं, छोले की क्वालिटी देखो यार क्या बात है। ये दिखाओ भाई साहब, ये दाल मखनी, और दाल मखनी मेरी फेवरेट भी है। ये दाल मखनी ऐसी है कि इसको पूरी रात पकाने के बाद जो टेस्ट आता है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। ये दिखाएं भाई साहब, ये कढ़ाई पनीर देखो, मतलब ये कार्ड पे है लेकिन जो ग्रेवी की जो मतलब जो थिकनेस है ना वो चेक करो। कभी कभी क्या होता है कि अगर प्राइसिंग की बात, कम प्राइसिंग में आपको ऐसी सब्जी देते हैं कि मतलब एकदम पानी जैसी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इनका छोले भी ट्राई कर लेंगे, एक प्लेट छोले की ले लेंगे और एक प्लेट पनीर की ले लेंगे। तो सोहेल भाई, हाँ, एक तो आप एक्स्ट्रा ये कर देंगे अपन, मतलब तीन में से एक एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग, हाँ, एक ये ले लेंगे स्टफ चीज़ चिली गार्लिक चूरचूर नान, एक्स्ट्रा पनीर प्याज चूरचूर नान, और एक आलू नान एक्स्ट्रा, एक नान एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। तो हमने पूरा आपको बता दिया है। तो हम लोग यहाँ पीछे इनके जो चूरचूर नान का जो सेक्शन है वहाँ आ चुके हैं। देखिए इनका जो काउंटर है वो कितना एकदम नीट एंड क्लीन है। नीट एंड क्लीन का मतलब ये है कि जो भी इन्होंने स्टफिंग है इनकी एकदम फ्रेशली इन्होंने कट किए हुए हैं वेजिटेबल्स। ये देखिए ये मिर्ची इन्होंने फ्रेशली कट की हुई है। पनीर की बात करेंगे तो देखो पनीर की क्वालिटी भी चेक करो यार, वो तो टेस्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे। ये क्या वैसा पनीर, हाँ पनीर, ये आटा इनका, ये आलू, चलो ये क्या लगा रहे हैं पहले, पनीर प्याज हम लोग लगा रहे हैं, जो हमने दो हमने प्लेट का ऑर्डर किया, एक छोलों के साथ ट्राई करेंगे और एक हम लोग इनका जो उसके साथ में ट्राई करेंगे पनीर के साथ। ये पनीर का चूर चूर नान हमारा लग रहा है। टाइमिंग क्या रहती है सोहेल भाई अपने यहाँ पे, 5 से 11 शाम को, 5 से 11 ना, शाम को 5 से 11, क्या बात है। ये कौन सा पैसा भी है, चिली गार्लिक भी साथ में लगा रहे अपन, ये देखिए क्या बात है यार, मिर्ची तो मेरी फेवरेट भी है और गार्लिक भी मेरा फेवरेट है। तो ये दोनों हमारे बस तंदूर में जाएंगे और फिर हम लोग इसका जायका ट्राई करेंगे। देखिए ये हमारा चिली गार्लिक वाला है और ये हमारा पनीर वाला है, क्या बात है। ये पनीर वाला है, ये देखिए हमारा पनीर का चूर-चूर नान आ गया और ये हमारा चीज़ चिली गार्लिक निकलेगा अभी, देखिए क्या बात है, एकदम प्रॉपरली इसको बेक कर दिया है। चलिए काउंटर पे चलते हैं और देखते हैं ये क्या आगे कैसे बनाते हैं। ये बटर कौन सा है, अमूल, अमूल बटर है, क्या बात है। अमूल बटर मेरा फेवरेट भी है, जैसा आपको बताया कि थोड़ा बहुत ये नमकीन होता है टेस्ट में, उससे और इसके फ्लेवर्स हैं जो बढ़ जाते हैं। एक और वो दो तीन टाइप के आते हैं लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता है, बटर जब भी यूज़ करते हैं तो अमूल का बटर बेस्ट होता है। ये देखिए प्रोसेस चीज़ इन्होंने यूज़ कर दी इसमें, चीज़ चिली गार्लिक में चीज़ जाएगा और पनीर वाले ऊपर टॉपिंग में पनीर जाएगा। जैसे सोहेल भाई ने बताया कि अगर आप वो चीज़ चिली वाला लोगे तो उसमें जो टॉपिंग में जाएगा वो चीज़ जाएगी, और पनीर वाला आप लेंगे तो उसमें टॉपिंग में पनीर और अनार जाएंगे ना, उसमें भी जाएंगे अनार, सब में जाएंगे, अच्छा ड्राई फ्रूट सब में जाएंगे ना, क्या बात यार। ये सब चीज़ आपको ट्राई करनी तो आपको यहाँ रोलिंग स्टॉक के काउंटर पे आना पड़ेगा जो उन्होंने अभी नया स्टार्ट किया है। देखिए बटर की क्वांटिटी देखो यार क्या बात है, ज़बरदस्त। ये हमारा चूर चूर चिली गार्लिक चूर चूर नान रेडी है और ये पनीर वाला चूर चूर नान, क्या बात है। चलिए इसको देखते हैं, एक में पनीर जाएगा और एक में हम लोग छोले लेंगे। पनीर की क्वालिटी चेक करो यार क्या बात है, और एक जाने के हिसाब से अगर क्वांटिटी की बात करो तो देखो ये तीन चीज़ों की जो इनका जो डिस्पोजल का जो वो है स्पेस वो काफ़ी ज़बरदस्त है, मतलब मुझे लग रहा है कि एक जाने के लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा। एक आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ये चूचू नान एक कितने का एक्स्ट्रा अगर कोई लेना चाहे तो भाई साहब, पनीर वाले 80 का है, चीज़ चिली 90 का। तो सोहेल भाई ने आपको ये भी बता दिया अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको कितने यहाँ पे करने पड़ेंगे। फुल में आपको दो मिल जाएंगे ना,
देखो रायता की क्वालिटी चेक करो यार, और कोरिएंडर के बिना तो कोई भी खाना जाते ही नहीं है। ज़बरदस्त, ये हमारा पनीर वाला रेडी है। अब ये हम लोग छोले के साथ में लेंगे, जो कि हमारा चीज़ चिली गार्लिक चूर-चूर नान है। ये दाल मखनी सब में जाएगी। ये सब्जी कहाँ बनाते सोहेल भाई? यहीं बना के वहाँ से बना के लेके घर से सब्जी लेके आते। ये एक ही बार बनाते हैं बस अभी तक तो, या एक बार अगर भीड़ होती तो और रखी भी और रखी हो जाती है। अच्छा हूँ, तो ये हमारा दोनों जो चूर चूर नान का जो हमने कॉम्बो लिया वो रेडी है। चलिए इसको अब ट्राई करते हैं। पहले हम लोग फोटो खिंचाएंगे और फिर हम लोग बताएंगे। बैकग्राउंड में मैं इनका वो काउंटर लूँ, लेकिन इनकी लाइट बहुत तेज़ है तो आपको साफ दिखेगा नहीं। सबसे पहले हम लोग इनका जो पनीर वाला है वो हम लोग देखिए आपको दिखाते हैं। पनीर की स्टफिंग देखो अंदर, ऊपर इन्होंने टॉपिंग भी पनीर की, और काफ़ी सारा बटर इन्होंने यूज़ किया, और ड्राई फ्रूट और साथ साथ में अनार के साथ में इन्होंने इसकी गार्निशिंग की है। चलिए सबसे पहले हम लोग इनके जो छोले हैं वो ट्राई करते हैं। छोले की क्वालिटी की बात करते हैं। पास में ले जाओ छोले, देखो एकदम प्रॉपरली बॉयल हो गए हैं। इन्होंने रात को अच्छी तरह प्रॉपरली सोक करके इसको बॉयल किया। कभी कभी क्या होता है कि छोले काफ़ी हार्ड रहते हैं तो खाने का मज़ा नहीं आता है, तो मैंने आपको ये ब्रेक करके इसलिए दिखाया कि भाई छोले एकदम गल चुके हैं। देखिए चलिए इसको ट्राई करते हैं। क्या छोले की सब्ज़ी तो वाकई में लाजवाब है, और जैसे जो आपको पता ही है कि जो खाने के शौकीन होते हैं वो कलर देखते ही बता देते हैं। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, इस प्राइस में आपको सब्ज़ी मतलब एकदम रिच सब्ज़ी ये लोग दे रहे हैं, एकदम पतली सी, मतलब ऐसे ही नहीं कि बस काम चलो कर दिया, लेकिन इनकी ये जो छोले की जो सब्ज़ी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। अब इनकी जो दाल मखनी है वो ट्राई करते हैं। यार चू चू नान के साथ में इन्होंने जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया है ना वाकई में ज़बरदस्त है। अब इसको चू चू नान भी आपको दिखा देते हैं, देखो काफ़ी बड़ा है, फुली लोडेड। इतने ज़बरदस्त वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए ये पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर इनका जो चीज़ गार्लिक वाला वो ट्राई करेंगे। पनीर वाला जो चू चू नान था वो तो मैंने ट्राई कर लिया, देखना सुनो हाँ भाई। तो हम लोगों ने इनका जो पहले जो सबसे पहले ट्राई किया वो पनीर वाला चू चू नान ट्राई किया, अब हम लोग इनका जो चीज़ चिली गार्लिक वाला जो चू चू नान है वो ट्राई करेंगे। मतलब ये सब्ज़ी अगर आपको स्ट्रीट फूड में मिल रही है, ये सब रिच सब्ज़ी आपको अच्छी सी रेस्टोरेंट में मिलती है, लेकिन यहाँ पर सोहेल भाई ज़बरदस्त अपने काउंटर पर इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी लेके आए, यहाँ तक कि रायता भी एक नंबर है। ये सब चीज़ें आपको एक अच्छी सी रेस्टोरेंट फाइन डाइनिंग में आपको ये सब चीज़ें मिलेगी। अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ आ जाना चाहिए रोलिंग स्टॉक, इनके पास में इन्होंने चू चू नान के एक ज़बरदस्त काउंटर लगाया। अब चलिए इनका ये जो गार्लिक नान वाला है वो ट्राई करते हैं। बटर देखो यार, तो इनका दाल मखनी का मैंने रिव्यू कर दिया था, अब हम लोग इनकी बार करेंगे। मैंने पूरा कर लेता हूँ यहाँ से। पनीर एकदम फ्रेश है, एकदम सॉफ्ट, टमाटर ग्रेवी इसमें इन्होंने यूज की है, और जो ग्रेवी इन्होंने बनाई वो एकदम फ्रेश है। और अब चू चू नान ट्राई करते हैं। गार्लिक का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, और ऊपर से इन्होंने जो मिर्ची की जो टॉपिंग की है उससे और इसका जायका बढ़ गया यार। मैं तो एकदम गच हो गया यार, इस प्राइस में आपको एक आदमी तो आराम से खा लेगा। क्वांटिटी देखो आप, क्वांटिटी। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद रायता। अब आपको दिखा दो इनकी क्वालिटी क्या, चेक करो। उप्स। ये इसकी थिकनेस चेक करो यार। हम लोग ये अगर आपको पास में से दिखाऊं तो आपको लगेगा कि मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, लेकिन हम लोग जब दूर जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं स्ट्रीट फूड पे खाना खा रहा हूँ।
चलिए एक नंबर यार, चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत बचाऊंगा इसमें से, फिर हम लोग इनका जो स्टफ वो आलू वाला चू चू ना है वो ट्राई करेंगे और फिर हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करेंगे। स्टफिंग कर दी इसमें, कोई बात नहीं। ये कौन सा है? आलू प्याज का, लगाओ भाई सब। ये हमारा आलू प्याज का है, मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे स्टफिंग करते दिखाना था, लेकिन कोई बात नहीं। ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया है, मतलब सब्ज़ी भी बहुत सारी बची हुई यार, मतलब आप को ये प्राइस में आप आराम से गच हो जाओगे यहाँ पे आके। ये देखिए हमारा आलू प्याज का हो रहा है रेडी, फिर हम लोग बस ये खाएंगे और फिर हम लोग वीडियो ख़त्म। ये हमारा आलू प्याज वाला जो चूर चूना है वो रेडी है, क्या बात है यार, ज़बरदस्त। चलिए साहब इसको अब हम लोग बटर लगाएंगे फुल। लिया भाई साहब, ये देखिए इसमें किस किस होगी भाई साहब, इसमें गार्निशिंग नहीं, जो गार्निशिंग होगी वो वही चीज पनीर से। और ये किशमिश यूज़ करें ना, किशमिश का जो हाँ जो स्वीटनेस आती है ना वो इस पर काफ़ी ज़बरदस्त, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि मिठास आपको लगती है, लेकिन कब जब बीच में कभी कभी जब किशमिश का टुकड़ा आते ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये हमारा चूर चूर नान रेडी है, डाल दिया ना, इसको क्रश कर दो भैया। ये देखो, चलिए साहब ठीक है। सोहेल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने परमिशन दी यहाँ शूट करने की, हम लोग ये ट्राई करते हैं ठीक है। अब बारी है हम लोगों ने यहाँ पे तीन टाइप के चूर चूर नान लिए, हम लोगों ने यहाँ पे पनीर वाला लिया, चिली गार्लिक वाला लिया, और अब हमारे बारी है आलू प्याज की, जो कि देखो इनकी क्वालिटी देखो यार। ये किशमिश तो इस पर जादू कर रही है, कभी कभी जैसे मुँह में आती ना तो एकदम मिठासपन आती है, उससे और ज़बरदस्त ये लग रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, अगर आप फुल लेते या अगर आप हाफ भी लेते हैं तो वापस, सोहेल भाई ने बताया कि आप वापस इसको रीफिल भी कर सकते हैं एक टाइम, तो अगर आपको रीफिल मिल रहा है आपको मतलब 160-180 रुपए में, तो आपको और क्या चाहिए। मतलब वैसे तो ये फुल में करते हैं रीफिल, लेकिन अगर कोई आता है तो वो हाफ में भी फुल आपको रीफिल कर देंगे। चलिए इनका जो जो आलू प्याज वाला है वो हम लोग दिखाते हैं आपको, मैं इसमें ले लेता हूँ ये ताकि खुला आ जाए। ये देखिए अमूल बटर से पूरा गच हुआ हुआ है, ड्राई फ्रूट्स इसमें गार्निशिंग इन्होंने की हुई, और अंदर जो स्टफिंग है वो आलू की है, और पनीर इन्होंने ग्रेट करके इस पर गार्निशिंग की। चलिए इसको ट्राई करते हैं। एक नंबर यार, सारे चूचू नान एक नंबर थे, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट अगर बात करेंगे तो चिली गार्लिक वाला जो मैंने लिया था वो यार वाकई में, क्योंकि मेरा चिली मेरी फेवरेट है और गार्लिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी वजह से टॉप पे जो गार्लिक वाला थे वो हमने रखे और बाकी ये दोनों। और जो ग्रेवीज की बात करेंगे तो वाकई में सारी ग्रेवी लाजवाब है। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पेमेंट करेंगे और फिर हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करेंगे। यार हम लोगों का यहाँ पे चूर चूर नान का जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा। सोहेल भाई ने मुझे बोला था कि मैं आपको पिज़्ज़ा भी ट्राई करूँगा, लेकिन मैं तो इतना गच हो गया हूँ, इतना माशाल्लाह फुल हो गया हूँ कि मेरे पास कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन मैं सारे सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि चूर नान के साथ साथ मैं आपको नए टॉपिंग के पिज़्ज़ा भी ट्राई करने हैं, तो अभी रोलिंग स्टोन है वो भी स्टार्ट किए हैं सबसे, हाँ बस वही की सारा तो चीज़ बस इन्होंने स्टार्ट किया, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। चूचू नान की बात करेंगे तो सारी जो ग्रेवी थी ना वो ज़बरदस्त थी, माशाल्लाह एक नंबर थी, अल्लाह ताला आपको और तरीके का फरमाए। और साथ साथ में इन्होंने जो टॉपिंग के अंदर जो जैसे वो ड्राई फ्रूट और वो सब यूज़ किया ना, उससे और इसका जायका बढ़ गया, और अजवाइन तो इसमें और भी ज़बरदस्त चार चार लगा दिए। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आएँ और सोहेल भाई के यहाँ पर आके इनका चूचू नान ज़रूर ट्राई करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। इसी के साथ हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे, और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई।